करेगी प्रिंसिपल मत करिए, बात करने में तैयार नहीं हो, करेगी नहीं करूंगी मैं, क्या करूंगी। लग गया तू। सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक स्कूल का हेड मास्टर अपने स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका के सामने बंदूक रख उसे धमकाने लग रहा है। हेड मास्टर सुशील कुमार कौशिक नशे में राइफल लेकर स्कूल पहुंचे, मुझे अनुपस्थित क्यों किया गया कहते हुए गोली से उड़ाने की धमकी दे दी। कि एक शिक्षक नशे में चूर होकर अपने ही स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका को बंदूक रख धमकाता है तो फिर आप क्या सोचेंगे, समाज पे किस तरह का असर पड़ेगा और विद्यार्थी क्या सीखेंगे। कि हेडमास्टर को बच्चे चप्पल मारते हुए भगा रहे हैं क्योंकि वो नशे की हालत में है। कई बार ऐसा होता है कि हेडमास्टर या एक नॉर्मल शिक्षक स्कूल में ही दारू पीने लगता है और बोलता है जा जिससे शिकायत मेरी करनी है कर लो। इस तरह की वीडियो तमाम आते रहते हैं। शिक्षक गुरु ये ऐसा वर्ग है जिससे एक समाज और विद्यार्थी सबक लेता है कि जीवन में किस तरह के मूल्य होने चाहिए और नैतिकता सीखता है, अनुशासन सीखता है। पर एक खबर आपको पता चले कि एक शिक्षक नशे में चूर होकर अपने ही स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका को बंदूक रख धमकाता है तो फिर आप क्या सोचेंगे, समाज पर किस तरह का असर पड़ेगा और विद्यार्थी क्या सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैजान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। एक ऐसे ही मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आ रहा है जिसमें सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक स्कूल का हेड मास्टर अपने ही स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका के सामने बंदूक रख उसे धमकाने लग रहा है और शिक्षिका उसी मौके पर वीडियो शूट करती है, वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया में वायरल कर देती है। क्या है कुछ पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक हेड मास्टर का नशे में चूर होकर बंदूक दिखाकर शिक्षिका को धमकाने का मामला सामने आया है। उसके बाद वो टीचर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल कर देती है जिसके बाद शिक्षिका की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि ये मामला प्रतापपुर के बरसपुर के प्राथमिक शाला मुसलमान पारा का है। वीडियो 21 नवंबर का है। शिक्षिका ने अपनी शिकायत में बताया कि हेडमास्टर सुशील कुमार कौशिक नशे में राइफल लेकर स्कूल पहुंचे, मुझे अनुपस्थित क्यों किया गया कहते हुए गोली से उड़ाने की धमकी दे दी। सुशील कुमार 19 नवंबर को स्कूल नहीं आए थे, इसलिए संकुलवार दैनिक प्रतिवेदन में अनुपस्थित होने की जानकारी भेजी गई जिस पर उन्हें कारण बताओ का सूचना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नोटिस भेजा गया, इसलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदार माना इसलिए धमकी देने आ गए। शिक्षिका ने आगे बताया कि इससे पहले भी सुशील कुमार कौशिक की शिकायत सरपंच, पंच और ग्रामीणों ने बीईओ से की थी। उसमें बताया गया कि वे हमेशा नशे की हालत में स्कूल में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी नहीं, इसलिए इस घटना से मैं डरी हुई हूँ, मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, इसलिए उन पर कार्रवाई की जाए। टीचर की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर सुशील कुमार कौशिक को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी को सख्त सजा दी जाएगी। वहीं इस घटना की शिकायत थाने में की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपने देखा, एक हेडमास्टर अपने ही पढ़ाने वाले स्कूल में एक शिक्षिका के सामने बंदूक रख उसे धमकाने लगता है कि मेरी अनुपस्थिति क्यों लगाई गई। अब आप ये बताइए, नियम के अनुसार तो अनुपस्थिति लगनी ही चाहिए। और बाकी की जो शिकायत है उसमें ये भी बताया गया कि वो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे और हमेशा नशे की हालत में रहते थे। इससे पहले भी तमाम खबरें ऐसे सामने आती है अखबारों में, हेडलाइंस में, कि छत्तीसगढ़ के और भी ऐसे जिले हैं जहाँ से कोने कोने से स्कूल से वीडियो वायरल होते हैं कि हेडमास्टर को बच्चे चप्पल मारते हुए भगा रहे हैं क्योंकि वो नशे की हालत में है। कई बार ऐसा होता है कि हेडमास्टर या एक नॉर्मल शिक्षक स्कूल में ही दारू पीने लगता है और बोलता है जा जिससे शिकायत मेरी करनी है कर लो। इस तरह की वीडियो तमाम आते रहते हैं। तो एक बात यह है कि एक शिक्षक का जो वर्ग होता है वो समाज में समाज सुधारक के लिए होता है और अगर इस तरह की कृत्य होते रहेंगी एक शिक्षक के द्वारा ही तो ये एक चिंता का विषय है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।